नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश की मैराथन क्लास करने वाले हैं जो कि AASPRT के लिए बनाई गई है। तो देखते हैं इस मैराथन क्लास में क्या क्या होने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हम टिप्स देंगे, जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स हम बताएंगे। तो ग्रामर के रूल्स जो होंगे वो किस तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं, तो ये दो तरह से डिज़ाइन करे गए हैं। पहली बात तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है तो ये हो सकता है आपने पढ़ रखे हो या याद भी रहते हो आपको, लेकिन ये ज़्यादातर रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, तो ये एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी हो गई जो आप भूल जाते हो, जो आप आसानी से भूल जाते हो, वो रूल्स इसमें होंगे। तो सिंपल रूल्स नहीं होने वाले हैं, जैसे ऑनेस्ट के आगे एन लगता है, ठीक है, जो आप आसानी से याद कर लेते हो वो रूल्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जो भी रूल्स होंगे वो ऐसे होंगे जो आप भूलने के ज़्यादातर चांसेस हैं आपके, ठीक है। ताकि ये कम के वीडियो होने वाला है बहुत अच्छा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये मैंने इसलिए रखा है, ये पूरा का पूरा चैप्टर होगा इनका, ठीक है, लेकिन अलग तरीके से कराएंगे, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मैंने इसलिए रखा है ताकि, क्योंकि ये वाला चैप्टर मिस हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है अक्सर मिस, तो मुझे लगता है आपसे भी मिस हो जाता होगा। ग्रामर रूल्स हम पढ़ते हैं तो ये एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम मिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये होने वाले हैं, इनके टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं इनको, अलग अलग थोड़ा थोड़ा टाइम लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टिप्स देखते हैं। तो पैसेज जो करते हैं हम, तो पहली टिप है फर्स्ट रीड क्वेश्चंस देन रीड पैसेज। इसका मतलब क्या होता है, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं उसके बाद पैसेज पढ़ना होता है। तो जैसे क्वेश्चन आप पहले पढ़ते हैं उससे क्या होता है, पैसेज में जो क्या ढूंढना है आपको वो पता चल जाता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा आपका टाइम बच जाता है। अगर आप पहले ही पैसेज पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एकदम से क्लिक नहीं होता, एकदम से वो याद नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए उसके बाद पैसेज पढ़िए। आगे देखते हैं, नेवर आंसर द वोकैब क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग पैसेज। तो देखिए वोकैब के क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिनोनियम एंटोनियम पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज में, तो उनको बिना पैसेज को पढ़े मत आंसर कीजिए। अगर टाइम नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नहीं करने। देखिए इसको, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक वर्ड होता है सेकंड, ठीक है, तो अब आपको लग रहा है इसका मतलब क्या होता है, ये वाला सेकंड हो जाएगा दूसरा, ठीक है, ऑर्डर सेकंड फर्स्ट के बाद आने वाला, लेकिन ये टाइम वाला सेकंड भी हो सकता है। तो आपको ये उसमें देखना पड़ेगा कि पैसेज में कौन से वाले सेकंड की बात हो रखी है, ठीक है, इसलिए पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, अगला टिप है हमारा, आंसर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू पैसेज नॉट योर विजडम। तो इसका मतलब क्या होता है, कई बार ऐसी बातें होती हैं जो पैसेज में क्या है, जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होती हैं वो दी होती हैं, तो आपको ये अपने दिमाग से अपने ज्ञान से नहीं आंसर कर देना है, पैसेज में चाहे सही हो या गलत पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। तो यही हमारी तीन टिप्स थी। आगे ग्रामर रूल्स देखते हैं। तो ये ग्रामर रूल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला रूल है टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय, अगर दो सब्जेक्ट इन चीज़ों से ज्वाइन हो रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है, तो इसमें जो वर्ब होगी वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, पहला सब्जेक्ट यहाँ पर दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, नाइदर यू नॉर आई डैश विलिंग टू डू इट, ठीक है, तो यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, एक तो ये है एक ये है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वर्ब लगेगी, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, एम आएगा, ना कि यू के अकॉर्डिंग आर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, देखिए दो सब्जेक्ट ज्वाइन करे जा रहे हैं, नॉट ओनली बट डैश एंड नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ एक सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होता है, जो नॉट के साथ सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी, जैसे यहाँ नॉट इधर है तो ये वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, इसके अकॉर्डिंग लगेगी, और यहाँ पर इस वाले के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखते हैं तो समझ आएगा, नॉट शी बट हर फ्रेंड्स इज और आर गिल्टी। तो देखिए यहाँ पर नॉट के साथ कौन सा है, शी है, तो शी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है तो इज लगती, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी तो आर लगेगी, तो यहाँ पर नॉट वाला नहीं लगेगा, तो इज वाला गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसी तरह शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज एंड आर गिल्टी, तो यहाँ पर शी वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट वाला क्या है,
नॉट, ये नॉट फ्रेंड्स के साथ लग रखा है तो आर वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये सही हो जाएगा। तो नॉट के साथ जो वर्ब होगी वो नहीं लगेगी, ठीक है। वर्ब मतलब नॉट के साथ जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंट बाय, तो ये खूब सारे से दे रखे हैं एज वेल एज, ऐसा करके पहला सब्जेक्ट एज वेल एज इधर लगाया। तो ये सारे के सारे जो केसेस होते हैं एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक एंड लाइक, तो इनमें से ये याद कर लेना कम से कम, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, जो भी विद लग रहा हो जिनके साथ भी, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, ठीक है, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इनमें क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ देख लेते हैं, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज और आर कमिंग, तो पहला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, तो इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा। ये जो पहले के दो तीन हमारे जो रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। अगर आपको कभी भी ग्रामर का पढ़ाई करनी है तो, रूल्स की पढ़ाई करनी है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर तो छोड़ना नहीं चाहिए आपको कभी भी। अगला देखते हैं रूल, राम्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर टू अ लॉट ऑफ ट्रबल होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये कुछ एक्सप्रेशन है जो एज इट इज यूज किए जाते हैं, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट डील, अ गुड मैनी, अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, तो ये ए लगता ही लगता है इसमें, ठीक है। वैसे अगर आप रूल देखेंगे तो ट्रबल क्या होता है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर ए ही आना चाहिए, लेकिन ये जो है कुछ एक्सप्रेशन एज इट इज यूज होते हैं, तो ये सारे के सारे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये हमारा एन और ए ये यूज किया जाता है, जैसे वो आपको पता होगा प्लूरल वाली साउंड, वो वोवेल वाली साउंड आनी चाहिए, तो एन में क्या है, एमबीए बोलते हैं इसे, ठीक है, एमबीए बोलते हैं, अच्छा भाई, ठीक है, एमबीए। तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो इसकी साउंड पे ध्यान देना है, हमें वर्ड लिखा है उस पे ध्यान नहीं देना है, इसीलिए एमबीए जो है वो एन लगेगा, मेंबर में एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। यहाँ पर यू वॉवल होता है लेकिन इसकी साउंड क्या है, वाई की आ रही है, यूनिक, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वॉवल नहीं लगता है। अम्ब्रेला में तो यू भी है वॉवल है, वैसे अम्ब्रेला में ए की साउंड आ रही है, ठीक है। इसी तरह एक्सरे में ए की साउंड आ रही है इसलिए एन लग जाएगा। वन वे टिकट में वी की साउंड आ रही है इसीलिए, तो साउंड से यहाँ मतलब है। और भी रूल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे कम से कम रूल्स इकट्ठे करे गए हैं ताकि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। वही घिसे पिटे के एन ऑनेस्ट, ठीक है, ये वाले यहाँ पर नहीं रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये पता ही होता है ज़्यादातर सबको। अगला देखते हैं ना, द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल, तो देखिए ये गलत है, इसका रूल पढ़ते हैं, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर दीज वर्ड्स इफ दे आर यूज इन ट्रू मीनिंग, तो इन वर्ड्स के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, मैन, वुमेन, साइंस, डेथ, साइंस, लैंग्वेज, ठीक है, सब्जेक्ट के नेम है या स्पोर्ट्स का नेम है, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, तो यहाँ पर ये द यूज नहीं होगा, ठीक है, द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल हो जाएगा इसका करेक्ट। एक और लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर इनके ट्रू मीनिंग में अगर नहीं यूज हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, तो यहाँ पर आर्टिकल ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, आर्ट सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इनके ट्रू मीनिंग नहीं है, ये फिगरेटिवली अलग मीनिंग यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ले लेंगे, लेकिन अगर ये ट्रू मीनिंग में इनका यूज होता है तो आर्टिकल ये नहीं लेते हैं। आई हैव गॉट अ गुड न्यूज, नो, ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा, तो इसका रूल क्या है, नो आर्टिकल बिफोर न्यूज, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, तो इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है इसीलिए यहाँ पे ए नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई हैव गॉट गुड न्यूज हो जाएगा ये, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म, तो यहाँ पर देखिए पब्लिक के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता है, तो ये पब्लिक ओपिनियन होगा, ठीक है, यहाँ खाली पब्लिक ओपिनियन होगा, पब्लिक, हॉस्टल, सिटी या विलेज, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज होता है, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, दिस बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट वेरी इंप्रेसिव, द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट वेरी इंप्रेसिव, ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या है हमारा, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आता, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम सेंटेंस को डिजाइन करेंगे, ये नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है।
नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज होता है। तो आपको करना क्या है, आप पहले सेंटेंस दे रखे हैं तो इनमें आप खुद को जज कर सकते हैं कि आप इनके एरर पता कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले सेंटेंस दे रखा है, तो आप आराम से पॉज करके पहले इनको देख सकते हैं, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो आप उसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है, उसका रीजन देख सकते हैं। 5 रुपीज नोट नहीं होता है, 5 रुपी नोट होता है। 10 माइल्स वॉक नहीं होता है, 10 माइल वॉक होता है, ठीक है। यहाँ कुछ सिंगुलर प्लूरल दे रखे हैं, माउस का मीस होता है, हैंडफुल का हैंडफुल्स होता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है, डिक्टम का डेटा होता है। ऐसे पूछ सकते हैं डेटा का सिंगुलर क्या होगा, ठीक है, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज आर इन्वाइटेड, तो जब ईच बॉय और ईच गर्ल दोनों में ईच होता है तब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगती है, इज आएगा ना कि आर आएगा, ठीक है। आई इन्वाइटेड द बॉयज बट नीदर हैज हैव कम, तो देखिए आइदर नाइदर एवरीबडी समबडी नोबडी समवन एवरीवन, इन सब के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, इसीलिए यहाँ पर हैज हो जाएगा ना कि हैव। ईच आइदर नाइदर एवरीवन ऑफ द, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको समझते हैं थोड़ा। अगर ऐसे दे रखा है वन वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, तो यहां पर देखिए जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, वन ऑफ द बॉयज होगा ना कि वन ऑफ द बॉय होगा, ठीक है। नाउन यहां पे प्लूरल होगा, वन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, ईच ऑफ द, लेकिन वर्ब जो यूज होगी आगे वो प्लूरल नहीं होगी, वो सिंगुलर होगी, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज इज होगा ना कि आर होगा, ठीक है, तो यहां वन लिखा है इसीलिए सिंगुलर वर्ब होगी यहाँ पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, ये सब आ रहे हो और आगे ऑफ प्लस ऑफ द लिखा है तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर एवरी वन ऑफ देम लिखा है, ठीक है, प्लूरल आ रहा है, लेकिन यहाँ वर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। बोथ मैनी फ्यू, तो ये सिंपल है, ये सब आ रहे हैं, बोथ मैनी फ्यू अ फ्यू, तो ये नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तो ये तो पता चल जाता है। पीछे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैनी जब यूज होता है तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं, मैनी अ या मैनी एन यूज होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो देखिए इसको देख लेते हैं, मैनी बॉयज आर सिटिंग इन देयर, तो ये तो हम यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है, लेकिन ये मैनी अ थोड़ा रेयर सिस्टम है ये, ठीक है। मैनी अ पॉलिटिशियन, तो यहाँ पॉलिटिशियंस यूज नहीं हुआ है, पॉलिटिशियन हुआ है, सिंगुलर यहाँ पे यूज हुआ है और वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई है, तो ये ध्यान रखना है, जब मैनी अ आ जाता है तब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब यूज होंगे। इसी तरह अ नंबर ऑफ जब होता है तो नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब जो है वो भी प्लूरल है। द नंबर ऑफ आ जाता है तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ट, तो यहाँ देखिए नाउन, ये नाउन तो दोनों में प्लूरल है, यहाँ ये प्लूरल वर्ब आ गई अ नंबर में, द नंबर में सिंगुलर वर्ब आ गई, द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग। अभी देखिए इस फॉर्मेट में आता है, मोर देन वन अगर आ रहा है तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। एग्जाम्पल इसका दे रखा है, मोर देन वन रूम इज वैकेंट, तो यहाँ रूम लिखा है, रूम्स नहीं लिखा है, इज लिखा है, आर नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट और ये नाउन और वर्ब। लेकिन अगर मोर पहले आ रहा है, बीच में नाउन आ जा रहा है, उसके बाद देन वन आ रहा है, ठीक है, तो नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं इसका, मोर टीचर्स देन वन आर लेट, तो यहाँ देखिए वर्ब हो गई प्लूरल और नाउन जो है यहाँ पर ये भी प्लूरल हो जाएगा। 2000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, तो यहाँ पे देखिए 2000 रुपीज जो है वो पूरा एक अमाउंट के तरह यूज हो रहा है, तो आपको ये सेंस भी समझना होगा जिस सेंटेंस में उस चीज का क्या सेंस आ रहा है। तो यहाँ पूरा एक अमाउंट की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर 2000 रुपीज पूरा एक सिंगुलर हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंड, तो ये कितने रुपए खर्च हो गए उस हिसाब में हो रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर प्लूरल की तरह यूज हो रहा है, तो आपको ये समझना होगा सेम वर्ड जो है, सेम ये वर्ड का ग्रुप है, ये कहीं पे सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वो सेंटेंस में किस सेंस में यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है।
वर्ब आफ्टर हु या विच, तो हु और विच के बाद वर्ब कैसे लगती है वो देखते हैं। आई हु डैश अ टीचर टीच हेयर, तो ठीक है हु जब यूज होता है तो वर्ब इसके जस्ट जो पीछे वाला होता है उसके अकॉर्डिंग लगती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, आई हु एम ए टीचर टीच हेयर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए वन ऑफ द इश्यूज विच वॉज डिस्कवर्ड इन द मीटिंग वॉज रेज्ड बाई एम, तो यहाँ पर विच जो है इसके पीछे जस्ट जो होगी नाउन ये इश्यूज है, ठीक है प्लूरल है, तो यहाँ वॉज नहीं होगा, यहाँ पर क्या है वर होगा। अब वन ऑफ द इश्यूज की वजह से ये वाला जो हमने फॉर्मेट देखा था इसकी वजह से जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी जो कि यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो ये वाले विच की वजह से जो वर्ब आई वो ये रही, और ये वन ऑफ द इश्यूज जो वन ऑफ द वाला टाइप हमने देखा था उसमें वर्ब सिंगुलर आती थी वो ये रही, ठीक है। सब्जेक्ट अगर ऐसा है अनफुलफिल्ड विश है या कंडीशन है या डिजायर है कोई, मतलब क्या है ऐसे स्टार्टिंग हो रही है सब्जेक्ट की इफ एज इफ एज दो ये सब आई विश वी विश, ठीक है। तो वर्ब जो होगी वो वर यूज होगी हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आई विश आई वर अ बर्ड, तो यहाँ वर आएगा वॉज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, इफ आई वर टॉलर आई वुड प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। दो एग्जाम्पल दे रखे यहाँ पे, वर यूज होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है विश करने हैं। टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, फाइव ब्रदर्स लव अनदर वन अनदर, तो ईच अदर जो है वो सिर्फ दो के लिए यूज होता है, वन अनदर जो है वो मोर देन टू के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रपोजिशन फॉलोड बाय मी एंड नॉट आई, तो यहां पर देखिए अगर सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद ये ऑप्शन आ रहे हैं आई आएगा या मी आएगा, तो यहां पर प्रपोजिशन के बाद मी आएगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव केस होता है इनका, ना कि नॉमिनेटिव केस आई, ठीक है। तो ही डिपेंड्स ऑन मी होगा ना कि ही डिपेंड्स ऑन आई, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी होगा, ना कि ये यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज हो रखे हैं यहाँ पे, तो आई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, आई गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है, मी ही यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। यू आर बेटर देन आई या मी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा यू जो है वो यहाँ नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है जब वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी इनका क्या है नॉमिनेटिव केस यूज होगा, तो यहाँ पर आई आएगा मी नहीं आएगा। इस सेंटेंस में शी लव्स यू मोर देन डैश, ठीक है, तो यहाँ पर जो यू है वो ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ पर ये क्या है ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए इसका भी आई का क्या है ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, यहाँ पर मी यूज होगा, आई यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यू आर बेटर देन आई हो जाएगा एंड शी लव्स यू मोर देन मी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हु विच और दैट का, तो ये काफी ध्यान से समझना है आपको थोड़ा हु विच और दैट, दैट ये रहा। तो हु जो है वो पीपल के लिए यूज कर किया जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए, दैट जो है वो थिंग्स के लिए भी यूज करा जा सकता है या फिर क्लास ऑफ पीपल के लिए भी किया जा सकता है। तो दैट जो है वो थिंग्स के लिए भी और क्लास ऑफ पीपल के लिए भी, और ये क्या दैट जो है वो प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तब दैट यूज करेंगे, ठीक है। उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो विच यूज करेंगे, विच सिर्फ थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, विच सिर्फ थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, दैट में थिंग्स और पीपल। तो थिंग्स आ गई तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं दैट या विच, कहीं पर भी थिंग्स आ रही है तो दैट या विच बचता है, पीपल वाले में हु आएगा या दैट वो देख लेंगे, ठीक है। विच वाले सेंटेंस में कॉमा यूज होगा ही होगा, ठीक है, कॉमा आ गया तो विच ही यूज होगा, ठीक है, ठीक है, विच वाले में कॉमा पक्का है, ठीक है। तो अभी सेंटेंस देखते हैं आई नो समवन हु कैन हेल्प यू, तो देखिए यहां पे समवन क्या है पीपल है इंसान है, तो यहां हु यूज हो गया है, ठीक है। अभी देखते हैं द राइटर्स दैट लर्न दीज रूल्स विल इंप्रूव देयर वर्क, तो यहां पर देखिए राइटर्स जो है वो क्लास ऑफ पीपल है टाइप ऑफ पीपल है, ठीक है, एक पूरे राइटर्स के ग्रुप को यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है दैट का यूज किया गया है, ठीक है। दीज पेयर्स ऑफ पैंट्स विच या दैट, यहाँ पे इनमें से क्या यूज करेंगे अभी देखते हैं, नो लॉन्गर फिट मी शुड बी गिवन अवे, तो यहाँ पर देखिए कॉमा यूज हुआ है, तो कॉमा यूज हुआ है तो यहाँ पर दैट नहीं होगा विच होगा, क्योंकि यहाँ पैंट्स यूज हुआ है नॉन लिविंग थिंग है ये, तो नॉन लिविंग थिंग में दो ऑप्शन बन जाते हैं हमारे विच या दैट, तो यहाँ कॉमा क्योंकि आ गया इसीलिए यहाँ पे विच का यूज होगा ना कि दैट का। द सॉन्ग विच या दैट यहाँ पे कोई भी यूज हो सकता है,
यू परफॉर्म्ड राइट बिफोर इंटरमिशन इज माई फेवरेट। तो देखिए यहाँ पर कॉमा नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और दूसरा क्या है, सॉन्ग की बात हो रही है, दैट यू परफॉर्म राइट बिफोर इंटरमिशन। तो अगर यहाँ पर देखते हैं फेवरेट है तो क्यों फेवरेट होगा, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए विच नहीं यूज होगा, यहाँ कॉमा भी नहीं है, दैट होगा। तो आप पहले तो लिविंग है या नॉन लिविंग है उससे देखेंगे, उसके बाद अगर कॉमा आ गया उससे देख सकते हैं, ठीक है। वो उससे भी काम नहीं बन रहा है तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है या नहीं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उससे चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं दिस पेयर ऑफ पैंट्स, दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर, विच नो लॉन्गर फिट मी शुड बी गिवन अवे। तो अगर इसको हटा भी दूं मैं तो दिस पेयर ऑफ पैंट्स शुड बी गिवन अवे, ये भी सेंटेंस काफी ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी थी। तो ये आगे देखते हैं, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ वन यूज होता है उसके बाद हिज नहीं आएगा, यहाँ पर वंस आएगा, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ही इज मोर सीनियर टू मी, तो सीनियर से पहले ये मोर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। मोर मोस्ट इज नॉट यूज्ड बिफोर, सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर इनके साथ मोर यूज नहीं होता है, इसीलिए ही इज सीनियर टू मी हो गया। द वेदर इज रिलेटिवली या कंपेरेटिवली हॉटर टूडे, तो रिलेटिवली आ जाए या कंपेरेटिवली आ जाए, उसके बाद हॉटर नहीं आएगा यहाँ पे, हॉट आएगा, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री नहीं होगी, पॉजिटिव डिग्री इसकी यूज होगी। अब देखिए फोर फॉर्मर, ये यहाँ पे ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव है, तो इनकी दो सुपरलेटिव डिग्री होती है फोर फॉर्मर की, फोरमोस्ट और फर्स्ट, ठीक है। तो फोरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट नोटेबल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, फर्स्ट होता है ये, फर्स्ट पोजीशन बता रहे हैं कि फर्स्ट आया हम, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट तो नहीं थे वो, क्या थे, फोरमोस्ट थे। तो ऐसे फर्स्ट लगा के आपको एग्जाम में एरर ढूंढने के लिए बताया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से आउट, आउटर, आउटर मोस्ट होता है, और आउट का ही एक और होता है कंपेरेटिव फॉर्म, अटर और अटमोस्ट, ठीक है। तो आउटर मोस्ट और अटमोस्ट में कन्फ्यूजन होता है, आउटर मोस्ट ये डिस्टेंस है, दूर है, ठीक है, बाहर की तरफ, अटमोस्ट का मतलब ग्रेटेस्ट है, अटर का मतलब होता है कंप्लीट। तो यहाँ कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इनसे रिलेटेड, द आउटर गेट, ठीक है, बाहर का गेट, आउटर मोस्ट गेट ऐसे यूज होगा, ही डिड इट इन अटर इग्नोरेंस, अगर अटर मतलब यहाँ पे कंप्लीट इग्नोरेंस, ही इज अ मैन ऑफ अटमोस्ट रिकॉग्निशन, तो ये यहाँ पर इनका यूज दिखा दिया, अटमोस्ट मतलब ग्रेटेस्ट रिकॉग्निशन, उनकी बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। आगे देखते हैं लेट, लेटर, लेटेस्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसका क्या है, लेट के हमारे दो हमारे कंपेरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म है, लेट का लेटर भी हो जाता है, लेटर भी हो जाता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसमें क्वेश्चन बहुत दिए जाते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है वो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, लेटेस्ट मतलब जो अभी आया है, जस्ट कुछ टाइम पहले आया है, ठीक है, लेटर मतलब थोड़ी देर बाद, लेटर का मतलब क्या है, ये सीक्वेंस या ऑर्डर बताता है, जैसे कि यहाँ पे रखे हैं तो ये बाद वाला, लेटर का मतलब हो गया बाद वाला, ठीक है, लास्ट मतलब बिल्कुल आखिरी में, तो ये सीक्वेंस बताता है, वो टाइम बताता है। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, ब्रेंडा सेड दैट शी वुड कॉल मी लेटर, तो यहाँ पर लेटर यूज होगा, ठीक है, बाद में कॉल करेगी, टाइम थोड़े टाइम बाद कॉल करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस देखते हैं इसका, देर आर टू काइंड ऑफ वरीज, दोज यू कैन डू समथिंग अबाउट एंड दोज यू कांट, तो दो तरह की वरीज की बात हो रही है, दोज यू कैन डू समथिंग जिसका आप कुछ कर सकते हैं या जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, डोंट स्पेंड एनी टाइम ऑन लेटर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लेटर यानी कि उन वरीज के बारे में आपको ध्यान नहीं देना है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दोज यू कांट, तो इसमें इस वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें अगर सेंटेंस में लेटर लिख दिया होता तो इसमें ऐसे तरीके से एरर दिया जा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ये भी है सिमिलर, फर्दर होता है इन एडिशन टू बिसाइड्स फिगरेटिवली डिस्टेंस, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, फर्दर का यूज हम इन मीनिंग्स के लिए करते हैं, इन एडिशन टू, ठीक है, इसके साथ ये भी है, ठीक है। फार्दर मतलब यहां पर जो फार होता है दूरी के लिए यूज कहते हैं, तो बहुत दूर है, फिजिकल डिस्टेंस बताने के लिए फार्दर का यूज किया जाता है। तो आई हैव गिवन यू अ लॉट, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू एनीथिंग फर्दर, तो बहुत कुछ दे रखा है, अब मैं और नहीं देना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर
फर्दर का यूज किया जा रहा है और आगे ये इन एडिशन टू वाला मीनिंग आ रहा है यहाँ पे। हिज हाउस इज फार्दर देन माइन फ्रॉम गांधी मैदान, तो गांधी मैदान से उसका घर क्या है ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे इसकी जगह इन दोनों को एक्सचेंज करके क्या है क्वेश्चन में दिया जा सकता है, तो कंफ्यूजन इससे बन जाएगा काफी। ठीक है, तो इनका मीनिंग आपको अगर क्लियर होगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे फ्लाई फ्लू फ्लोन, ये ठीक है तीन फॉर्म्स है इनकी, फ्ली फ्लेड फ्लेड फ्लो फ्लोड फ्लोड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्लाई वाला ये वाला मीनिंग है, इसका थर्ड फॉर्म ये है, तो ये उड़ने वाली बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इससे तो पता चल रहा है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, इन तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है थर्ड फॉर्म में। यहाँ से तो पता चल जाएगा कि ये उड़ने वाला, ये फ्ली का मतलब होता है रन अवे, एस्केप कर देना, जैसे कि जेल में से भाग गया कोई तो उसे कहा जाएगा ही हैज फ्लड, भाग गया। ठीक है, फ्लो का मतलब ये पानी वाला बहाव है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल देखते हैं, इससे काफी क्लियर होगा। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स एंड प्लंज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस। तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़ के लग रहा होगा तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ये गलती है। ये जो फ्लोन है ये क्या है, ये फ्लाई का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, फ्लाई यानी उड़ने वाले का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये फ्लोड होगा, ये वाला FLOWED। तो पानी जो है वो फ्लो करता है ना कि फ्लाई करता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या है FLOWED, ये वाला यहां पे आएगा। क्वाइट और ऑल जो है वो साथ साथ यूज नहीं किए जा सकते हैं। ही इज क्वाइट ऑल राइट सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ये गलत है। ठीक है, ही इज क्वाइट राइट हो या ही इज ऑल राइट हो, दोनों को साथ साथ नहीं यूज करना है, अलग अलग यूज कर सकते हैं। सेंटेंस विच स्टार्ट विद सेल्डम नेवर हार्डली रेयरली स्कार्सली नो सूनर, तो इनमें इन्वर्जन का यूज किया जाता है। तो सेल्डम से स्टार्ट हो रहे हैं, इनसे हो रहे हैं, तो इन्वर्जन का यूज किया जाता है। इन्वर्जन क्या होता है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, जैसे कि ही इज नहीं होगा यहाँ पर, इज ही हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, उसी का उल्टे का ये मतलब इन्वर्जन होता है, इन्वर्ट कर देना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटिफुल साइट नेवर डज शी कम हेयर। तो यहाँ पर देखिए दो ये अलग अलग सेंटेंस है यहाँ पे, सेल्डम हैव आई, आई हैव नहीं हैव आई, उल्टा हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेवर डज शी, नेवर शी डज नहीं, नेवर डज शी होगा। तो ये इन्वर्जन के यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये स्टार्टिंग में सेंटेंस में यूज होंगे तो इन्वर्जन यहाँ पे यूज होगा। ओनली के अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो भी इन्वर्जन होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओनली बाई टेकिंग रिस्क डिड ही सेव हर लाइफ। तो ओनली आ गया तो डिड ही हो गया, यहाँ पे फिर से ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस। तो यहाँ पर अगर ऐसे पूछ लिया जाता है ओनली बाय वर्किंग हार्ड ही डिड गेट सक्सेस, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, डिड ही होगा यहाँ पे, उल्टा हो जाएगा ये। एट नो टाइम अंडर नो सर्कमस्टेंसेस या फिर इन नो वे ऑन नो अकाउंट, इनके बाद भी क्या होगा, इन्वर्जन होगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल आई डू इट, ठीक है उल्टा हो गया यहाँ पे, आई विल डू इट नहीं विल आई डू इट हो गया यहाँ पे। ठीक है, एट नो टाइम वॉज द पीएम अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, एट नो टाइम के बाद यहाँ पे क्या है वॉज द लिखा है। ठीक है, पीएम वॉज अवेयर नहीं लिखा है, वॉज द पीएम लिखा है। स्टार्टिंग अगर हो रही है सच या टू सच से, ठीक है तब भी इन्वर्जन हो रहा है। तो देखिए ये वाले काफी हम क्या मिस कर देते हैं, इसीलिए ये इन्वर्जन वाले सारे के सारे मैंने कवर कर लिए यहाँ पे। टू सच एन एक्सटेंट ही वॉज एनालाइज द ही हैज एनालाइज द पोएम दैट नो प्रॉब्लम इज लेफ्ट। तो यहाँ पर देखिए टू सच एन एक्सटेंट ही हैज लिखा है, तो यहाँ टू सच एन एक्सटेंट है तो इसमें क्या है इन्वर्जन का यूज होगा, तो यहाँ हैज ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलत सेंटेंस है। टू सच एन एक्सटेंट हैज ही एनालाइज द पोएम दैट नो प्रॉब्लम इज लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरर बताना होगा आपको। दे आर वेरी सीनियर टू मी, तो सीनियर से पहले हमने मोर देखा था, वेरी भी नहीं लगेगा, दे आर सीनियर टू मी हो जाएगा खाली। अच्छा, या वेरी नहीं होगा, हम मच यूज कर सकते हैं, दे आर मच सीनियर टू मी, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, वेरी नहीं होगा, अगर आपको इम्फेसिस देनी है तो मच सीनियर लिख सकते हैं। ऑल्दो दो के बाद क्या आता है, येट आता है, बोथ के बाद एंड आता है, वेदर के बाद और आता है। तो इसको देखते हैं सेंटेंस के थ्रू कैसे इसका यूज होता है। ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज ऑनेस्ट, तो यहां पर क्या है
ये गलत सेंटेंस दे रखे हैं सारे के सारे। ऑल्दो के बाद हमने पढ़ा क्या आता है, येट आता है। तो देखिए पढ़ने में इतना अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये येट हो जाएगा। ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज ऑनेस्ट, बोथ राम एज वेल एज श्याम मे कम टुगेदर। तो बोथ के बाद क्या आता है, एंड आता है। ये एज वेल एज नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा। आई डोंट नो दैट दे विल कम और नॉट, और नॉट, ठीक है। तो आई डोंट नो के बाद यहाँ पे और लिखा है, तो यहाँ पर दैट नहीं यूज होगा, यहाँ पर क्या होगा, वेदर होगा। वेदर और का यह जोड़ी बन रही है, बोथ के साथ एंड की बन रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सेंटेंसेस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एररफुल हैं ये सारे के सारे। सो का, अच्छा यहाँ पे देखिए, सो एज ये नेगेटिव में यूज किया जाता है, एज ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज किया जाता है। तो एज एज आ रहा है तो सेंटेंस सही होगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है सो एज जो है वो पॉजिटिव में नहीं यूज होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो राम इज नॉट सो गुड एज यू, ठीक है। तो यह उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना आप हो, ठीक है। तो ये तो सही है इनके सेंटेंस, ठीक है। राम इज एज गुड एज यू, तो एज गुड एज तो दोनों में यूज हो जाएगा, लेकिन अगर यहां पर ये पॉजिटिव में सो वाला यूज नहीं होगा, सो वाला पॉजिटिव में यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। हार्डली स्कार्सली के बाद वेन या बिफोर यूज किया जाता है। तो सेंटेंस देखते हैं इसका, हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस दैट ही टेलीफोन दैट द टेलीफोन बेल रैंग, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए हार्डली यहां पर स्टार्टिंग में यूज किया गया है, तो यहां पर दैट यूज नहीं किया जाएगा, यहां पर वेन या बिफोर में से कुछ भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इनका। ये वीडियो आप बार बार देखेंगे तो ये सारे रूल्स के आपके दिमाग में छप जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। देखते हैं, हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन द टेलीफोन बेल रंग, ठीक है। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, तो देखिए ये एक साथ यूज होते हैं, सेल्डम इफ आ गया तो एवर आएगा, सेल्डम और आ गया तो नेवर आएगा, ठीक है, ठीक है। बैटरी चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्डम इफ के बाद यहां पर सेंटेंस दे रखा है, सेल्डम इफ नेवर हैव आई हर्ट यू। तो सेल्डम के बाद क्या है, यहां इफ आ गया है तो एवर नेवर नहीं आएगा, ये एवर आएगा, थोड़ा सा रेयर है ये रूल, ठीक है। तो यहां पर नेवर नहीं, एवर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। रेदर अदर नो सूनर, ये अगर यूज हो रहे हैं तो इसके बाद देन यूज होगा, ठीक है। आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गेट अ जॉब, ठीक है। तो नो अदर आ गया यहाँ पे, ये अदर आ रहा है, तो अदर के बाद क्या यूज किया जाता है, देन। तो यहाँ बट नहीं यूज होगा, यहाँ पर क्या होगा, देन यूज होगा, ठीक है, यहाँ देन यूज होगा। तो ये बट वाला गलत है। आई वुड रेदर हैव द बैट नॉट द बॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेदर यूज यूज हुआ है, आई वुड रेदर हैव द बैट देन द बॉल हो जाएगा, ठीक है, नॉट द बॉल नहीं होगा, देन द बॉल हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेस्ट के बाद शुड का यूज किया जाता है, पूछा जाता है काफी। तो वर्क हार्ड लेस यू मे फेल, तो यहां पर मे नहीं यूज होगा, शुड यूज होगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये काफी पता होता है लोगों को, लेकिन ये पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए ये रखा गया यहां पे। अंटिल के बाद, अंटिल जो है वो टाइम के लिए यूज किया जाता है, अनलेस ये कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, यू कैन नॉट डू वेल अंटिल यू प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अंटिल यहाँ पे टाइम बता रहा है, जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक क्या है, आप वेल अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टे हेयर अनलेस शी कम्स बैक, तो अगर जब तक वो नहीं आती तब तक क्या है, यहीं पे वेट करने वाला है बंदा, ठीक है। तो ये अनलेस यहाँ पर क्या है, कंडीशन बता रहा है, यहाँ पे उसके आने की क्या है, ये कंडीशन है। बिकॉज सिंस एज इनका बाद क्या है,
देयरफोर सो एज ये यूज़ नहीं किए जाते हैं। बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफोर ही फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ बिकॉज यूज़ कर लिया गया है इसीलिए देयरफोर का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड, देयरफोर को हटाई देंगे इसमें से, ठीक है। अनटिल अनलेस लेस्ट के बाद नॉट का यूज़ नहीं होता है, इसको दे के क्या एरर दिया जाता है, अनटिल ही डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम आई विल स्टे विद हिम, ठीक है। तो अनटिल के बाद यहाँ पे नॉट लगाया, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, अनटिल ही सॉल्व द प्रॉब्लम आई विल स्टे विद हिम। मिसेस वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेसेज विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट स्ट्रेटजी। तो देखिए एक एरर वाला ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए नॉट ओनली जो है वो स्टॉप्ड कम के साथ यूज कर रखा है, जबकि बट ऑल्सो जो है वो गोइंग के साथ यूज कर रखा है। तो देखिए ये स्टॉप्ड जो है ये एक वर्ब है, जबकि कमिंग और गोइंग जो है वो यहाँ वर्ब की तरह नहीं जेरंड की तरह यूज कर रखे हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का ये पेयर है, तो जिसके साथ नॉट ओनली यूज करा जाएगा उसी के साथ बट ऑल्सो यूज किया जाएगा। तो बट ऑल्सो क्योंकि यहाँ जेरंड के साथ यूज किया गया है इसीलिए नॉट ओनली भी क्या है जेरंड के साथ यूज किया जाएगा, ना कि वर्ब के साथ। तो मतलब क्या हुआ इसका, नॉट ओनली यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर यूज किया जाएगा नॉट ओनली, ठीक है। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, मिसेस वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिसेस वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग, ठीक है। तो नॉट ओनली कमिंग और बट ऑल्सो गोइंग, तो ये दोनों ही जेरंड के संग यूज होंगे। जेरंड क्या होता है, जब ये कमिंग और ये क्या सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, ठीक है, पता होगा आपको। लाइक जो है वो अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है यानी मी, एज जो है वो अपने साथ नॉमिनेटिव केस लेता है जाकि आए। तो सेंटेंस में देखते हैं, ही लाइक्स अ मैन लाइक मी, ठीक है, लाइक के साथ मी आ गया। ही हेल्प्स अ मैन एज आई डू, तो यहाँ पर आई आ गया, लाइक के साथ मी एज के साथ आई। अगो के बाद दैट का यूज किया जाता है, ठीक है। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो सिंस ही रोट अ लेटर टू मी, तो यहाँ सिंस नहीं यूज किया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा दैट का यूज होगा। आई सडनली केम अक्रॉस हिम, तो देखिए जो केम अक्रॉस होता है कम अक्रॉस, तो वो अपने आप में ही सडनली को मीनिंग को ले लेता है उसमें, ठीक है। यानी कि कोई अचानक से आ रहा है उसका मतलब होता है कम अक्रॉस, तो इसलिए सडनली यहाँ पे लगाने का मतलब नहीं है, सडनली यूज नहीं किया जाएगा। आई केम अक्रॉस हिम ये अपने आप में ही सही सेंटेंस है। अच्छा, अमंग और अमिड इनके साथ जो नाउन यूज किए जाते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड वाले यूज किए जाते हैं। अगर प्लूरल साउंड वाला है तो सिमिलर मीनिंग होते हैं इनके, लेकिन यहाँ पर अमंगस्ट या अमिडस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, रघु इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड, तो अमंग के साथ यहाँ पर एच वाला साउंड कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो गया। राजीव इज सिटिंग अमिड्स अस, तो अस यहाँ पर वोवल वाला साउंड है इसीलिए यहाँ पे, तो इसको ध्यान ऐसे रख सकते हैं। ये टी जो है ये क्या कॉन्सोनेंट है, तो टी के साथ अगर यहाँ पे टी वाला कोई साउंड होता तो वो सुनने में क्या अजीब लगेगा। तो अगर ऐसे होता है अमंगस्ट, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, टूर लिख दिया जैसे मैंने, तो अगर ये तो अमंगस्ट टूर टट, तो ये क्या है सुनने में अजीब लग रहा है, इसीलिए ये क्या होता है अमंगस्ट के साथ नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता है। अरे ये प्लूरल प्लूरल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वोवल होगा, वोवल साउंड वाला होगा, प्लूरल लग दिया गलती से। तो यहाँ पे अमंगस्ट के साथ वोवल साउंड होगा और अमिड के साथ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। फॉर जो होता है ये भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन अब पता होता है लेकिन पूछा बहुत ज्यादा था। तो फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम बताता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ठीक है। तो ये दो महीने 3 महीने, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि 10 बजे 3 तारीख ऐसे, ठीक है। ही हैज लिव्ड हेयर फॉर अ मंथ, ठीक है, तो उसने क्या है फॉर यूज किया है, तो यहाँ पूरा मंथ लिखा हुआ है, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ही हैज बीन एबसेंट सिंस 5th May, तो ये 5th May क्या है एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पॉइंट है यहाँ पे 5 मई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को रिप्लेस करके एक्सचेंज करके यहाँ पर दिया जा सकता है आपको, फिर कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है।
अब ये एरर की तरह भी यूज किया जा सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ यहां पर देखिए, ऑफ ओ डबल एफ ये सेपरेशन बताता है, ही इज ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी से हटा दिए गए हैं। ऑफ का अलग अलग यूज होता है, यहां पे ओरिजिन की तरह यूज किया जाता है, मिस प्रियंका कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, वो एक रिच फैमिली से आती है, उनका ओरिजिन क्या है, रिच फैमिली है। ठीक है, ऑफ क्या है, कॉज, ये कारण के लिए भी यूज किया जाता है, ही डाइड ऑफ कैंसर मतलब कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई। शी इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन हर वर्क। ठीक है, तो देखिए, तो शी इज कॉन्शियस एंड, तो जब एंड यूज किया जाता है तो यहां पर क्या है, दो सेंटेंस मिक्स हो रहे हैं, तो यहां पर क्या है, ऑफ आएगा, आप देखिए ये क्यों आएगा अभी समझते हैं। शी इज कॉन्शियस ऑफ हर वर्क, ठीक है, शी इज इंगेज्ड इन हर वर्क। ठीक है, तो कॉन्शियस के साथ ऑफ आता है, इंगेज्ड के साथ इन आता है, तो यहां पर जब दोनों सेंटेंस यूज जुड़े जुड़ रहे हैं यहां पे, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है यहां पे, तो इसका जो यहां पर ये बाद में लगता है ये, तो ये जरूर यहां पर यूज किया जाएगा, कॉन्शियस ऑफ होगा, क्योंकि यहां पर दो सेंटेंस जो मिक्स किए जाने हैं वो क्या है, शी इज कॉन्शियस ऑफ हर वर्क, शी इज इंगेज इन हर वर्क, तो इसलिए ये ऑफ को हटाकर यहां पर क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। इसी तरह यहां पर देख सकते हैं, शी वॉज ही वॉज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विद हर परफॉर्मेंस, तो यहां पर अगर इस एट को हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ही वॉज सरप्राइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड विद हर परफॉर्मेंस, तो सरप्राइज के बाद एट आता है और प्लीज्ड के बाद विद आता है, अगर दोनों के बाद सेम आता, ठीक है, ऐसे ये वर्ड्स होते हैं जिनके बाद सेम ये यूज किए जाते हैं, तो क्या होता, तो एक ही एंड वाले से ही काम चल जाता, यहां वाले को हटा देते, लेकिन क्योंकि अलग अलग यूज किए जाते हैं इसलिए ये क्या हो जाएंगे, दोनों को लिखना यहाँ पे जरूरी है, इसीलिए क्या है यहाँ पर एट लिखा है और यहां पर हमने ऑफ नहीं लिखा था, इसलिए ये एरर था यहां पे। ठीक है, प्रपोजिशन जो है, प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब यूज होगी वो आईएनजी फॉर्म में यूज होगी। सेंटेंस देखते हैं, यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, तो यहाँ डूइंग इट आ रखा है, आईएनजी फॉर्म फ्रॉम प्रपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है, आई टेक डिलाइट इन वर्किंग हार्ड, तो इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, तो वर्किंग हार्ड आईएनजी फॉर्म आ गई। नो प्रपोजिशन आफ्टर, तो ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनके बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं किया जा सकती है। ठीक है, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रिडिक्यूल, ये सारे के सारे दे रखे हैं, तो ये सारे के सारे आपको देखो इस तरीके से दिए होते हैं, तो इनको याद नहीं करना होता है। इस रूल को पढ़ के आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा जब पढ़ते हैं इंग्लिश को पढ़ते हैं तब आपको ये देखना होता है कि अरे हाँ यहाँ पर ये रूल यूज हो रहा है। ठीक है, कभी भी आप ऐसे एक कॉपी पर लिख के याद नहीं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या आपको रीडिंग करनी होगी इसकी। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द पोएम, तो देखिए पढ़ के तो लग रहा है सही तो है सब, लेकिन यहाँ पे क्या है ये गलत है, यहाँ पे ही द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी अबाउट, डिस्क्राइब्स के बाद ये कोई प्रपोजिशन का यूज करना गलत हो जाता है। ठीक है, ही ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ टी, तो ही ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ टी होगा, फॉर यहाँ पे अननेसेसरी लिखा हुआ है। ठीक है, से सजेस्टेड, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेंट, ओके, इन सब के बाद क्या है, टू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है, यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव दिस प्लेस। ठीक है, सजेस्टेड के बाद टू, सेड के बाद टू और राइट के बाद भी टू। कंप्लेंट टू या फिर अगेंस्ट कहा जाता है समबडी, तो किसी को कंप्लेन कर सकते हो आप या किसी के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन जब हम कहते हैं कंप्लेंट अबाउट या ऑफ तो तब यूज करते हैं किसी चीज के बारे में, तो ये इस सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा काफी। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, स्टूडेंट ने क्या किया, प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया अगेंस्ट द वार्डन, किसके अगेंस्ट किया, वार्डन के, एंड अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल, किस चीज के बारे में किया, पुअर मैनेजमेंट। अब देखिए यहां से ये वाला अगर मैं हटा देता तो सेंटेंस ऐसे हो जाता, स्टूडेंट कंप्लेंट टू प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट, अब पुअर मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं किया है, पुअर मैनेजमेंट के अबाउट किया है। ठीक है, तो ये एक वर्ड को हटाकर क्या है, यहाँ पर एरर वाला यहाँ पर सेंटेंस बनाया जा सकता है आराम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे, अबाउट में अबाउट या ऑफ हो तो समथिंग हो जाएगा, टू और अगेंस्ट किसी इंसान के बारे में होता है। ठीक है, अभी ये वर्ड है यहाँ पे, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, कंप्राइज अकेले में ही कंसिस्ट ऑफ मतलब निकलता है इसका, इसीलिए इसके बाद ऑफ नहीं लगना चाहिए। ठीक है,
सेंटेंस देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ थ्री विंग्स। देखिए पढ़ने में सही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे ऑफ यूज नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस थ्री विंग्स, ठीक है, ऑफ नहीं यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही क्या है, कंसिस्ट ऑफ, तो दो दो ऑफ नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। एंग्री विद समबडी होता है, एंग्री एट समथिंग होता है, सिंपल है ये बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखिए, ही वॉज एंग्री एट मी बिकॉज आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। तो एंग्री एट क्या होता है, किसी टॉपिक पे एंग्री हो सकते हो, किसी चीज पे एंग्री हो सकते हो, ठीक है, किसी कंडीशन पे आप एंग्री हो सकते हो, किसी पर्सन पे नहीं हो सकते हो, ठीक है। पर्सन के लिए विद यूज होता है, एंग्री विद मी होगा यहाँ पे, ठीक है। ईल्ड के बाद टू लगता है, द स्मगलर ईल्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इन टू पुलिस ट्रैप। तो ईल्ड के बाद यहाँ पर फॉर नहीं यूज होगा, यह क्या होगा यहाँ पे, टू होगा। ब्लाइंड इन द राइट आई, तो अगर कोई ये कह रहा है राइट या लेफ्ट आई से वो ब्लाइंड है, तो उसको ऐसे बोलेंगे, ब्लाइंड इन द राइट आई या ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ब्लाइंड विद बोथ द आईज, तो यहां पर विद होगा, दोनों आंखों की बात होगी तो विद होगा, एक की होगी तो इन होगा, ठीक है। द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई वॉज नोटोरियस क्रिमिनल, तो ब्लाइंड विद नहीं होगा यहाँ, क्या होगा, ब्लाइंड इन द राइट आई होगा, ठीक है। नोटोरियस का मतलब भी बता देते हैं, चलो लगे याद, नोटोरियस का मतलब होता है जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है, ठीक है, वो फेमस है लेकिन बुरे कामों के लिए। इनवाइटेड टू अ प्लेस स्लैश पार्टी, ठीक है, तो इनवाइटेड टू होता है, ठीक है, यहाँ सेंटेंस देखते हैं, राजेश शर्मा इज इनवाइटेड फॉर अ पार्टी, तो इनवाइटेड के बाद फॉर नहीं आएगा, तो क्या होगा, टू होगा। अच्छा, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना किसी चीज को। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, टेक केयर करना। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, एक्सचेंज करके सेंटेंस एरर वाला दे दिया जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम, हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी का फादर बीमार है तो यहाँ पर उसको ढूंढेगा थोड़ी, वो है तो उसी के पास, तो यहाँ लुक फॉर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, लुक आफ्टर हिम होगा। लुक आफ्टर का मतलब क्या हो जाता है, टेक केयर। लॉस ऑफ समथिंग होता है, डैमेज टू समथिंग होता है, ठीक है। तो काउंसिल डज नॉट होल्ड इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आर्टिकल, ठीक है। तो यहां पर देखिए, दोनों को एक साथ दे दिया है, तो यहां पर यही गलती है। इस तरीके के काफी मुश्किल एरर फाइंड करना होते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, फॉर द लॉस और डैमेज टू, तो डैमेज के बाद तो टू आ गया, लेकिन अगर लॉस के बाद भी यहां पर टू होता तो ये काम कर जाता दोनों में, लेकिन लॉस के बाद ऑफ आता है, इसीलिए लॉस ऑफ और डैमेज टू ये अलग अलग आएंगे, ठीक है। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका क्या करेक्ट क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी आर्टिकल, ठीक है। वर्थ लिसनिंग के बाद टू नहीं आता है, ये गलत हो जाता है। इन इस कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू, तो ये टू नहीं आएगा, वर्थ लिसनिंग तक ही सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये कुछ वर्ड्स हम एक साथ यूज करते हैं जो कि नॉर्मल कन्वर्जेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाते हैं, लेकिन ये गलत होते हैं। कजन ब्रदर बोलते हैं, ये गलत होता है, कजन खाली अपने आप में ही ब्रदर को ले लेता है वो, ठीक है। तो कजन के अंदर ही ब्रदर या सिस्टर आ जाता है, तो आगे कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोलने की जरूरत नहीं है। फाइनल कंक्लूजन, तो कंक्लूजन तो अपने आप में ही वो फाइनल होता है, तो फाइनल यूज नहीं कहेंगे। फ्यूनरल अपने आप में सर्विस होती है, तो सर्विस यूज करने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं तो काइंडली ही करेंगे, तो यहाँ काइंडली लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज और इफ जो है अलग अलग यूज करे जा सकते हैं, लेकिन एक साथ यूज नहीं करेंगे सपोज और इफ को, ठीक है। दोनों का मतलब सिमिलर सा ही होता है। रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है, इसीलिए यहाँ पर बैक का वर्ड संग में यूज नहीं किया जाएगा, रिटर्न बैक गलत हो जाएगा। रीबॉर्न अगेन, तो रीबॉर्न का तो मतलब ये री यहाँ आ गया, उसका मतलब अगेन तो अपने आप ही आ गया, ठीक है। तो दोबारा से पैदा होना, उसके बाद अगेन एक और बार यूज करना, तो ये दो दो बार हो जाएगा, ठीक है। तो रीबॉर्न अगेन यूज नहीं करेंगे, खाली रीबॉर्न काफी है, अगेन का यूज करना नहीं है, यहाँ बैक का यूज करना नहीं है। विद बैग एंड बैगेज, तो इसमें विद का यूज नहीं होगा, बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है। विद ऑल बिलोंगिंग्स, अपने सारे सामान के साथ, ठीक है। आगे और देखते हैं, यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है या म्यूचुअल फ्रेंड होता है, ये यूज करते हैं हम।
ये काफी गलत होता है, ठीक है। कॉमन एग्रीमेंट या कॉमन फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, म्यूचुअल फ्रेंड ये गलत होता है, फेसबुक पे लिखा होता है लेकिन गलत होता है। इसी तरह म्यूचुअल इंटरेस्ट भी ये गलत होता है। अवेट फॉर ये भी गलत होता है, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, तो फॉर तो इसमें आ ही गया पहले ही, तो ये फॉर लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसी तरह कंप्राइज ऑफ ये बता चुका हूँ मैं, कंप्राइज ऑफ का मतलब कंसिस्ट ऑफ होता है, तो ये एक और ऑफ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसी तरह इसमें भी जरूरत नहीं है। डिस्पाइट का मतलब इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है, तो दो दो ऑफ की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेट इनटू भी गलत होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है क्या है, इंक्वायर इनटू, तो इनटू तो एक आ गया इसमें। कावर्ड मैन, तो कावर्ड के अंदर ही मैन आ जाता है, मैन लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। फ्ली अवे, तो ये मैंने बताया था फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, एस्केप कर जाना, तो यहाँ दो दो अवे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रूल्स हमारे खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर हम सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस तो सीधा होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि क्या है, इसका मीनिंग समझने के लिए ये अपने आप में ही पूरा पूरा मीनिंग होता है, ठीक है। राहुल ओपन द डोर, द बॉय स्माइल्ड एंड नॉडेड, तो यहाँ एंड तो लगा हुआ है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कंपाउंड वर्ब है, दो काम कर रहा है, लेकिन क्लॉज ये पूरा एक ही है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, सिंपल सेंटेंस तो आराम से पहचान लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत इनमें होती है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, तो कंपाउंड देख लेते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस जो है वो क्या होता है, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इसका एक एग्जांपल भी हमने देखा था, ठीक है। एंड तो इसमें क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। तो जो फेमस कंजंक्शन यूज किए जाते हैं वो इस नोमोनिक से याद कर सकते हैं आप, फैन बॉयज, एस भी याद रखना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज किया जाता है। तो एफ फॉर फॉर, ए फॉर एंड, नॉर और होता है, और बट येट ऑल्सो। तो सेंटेंसेस देखते हैं इसका कंपाउंड सेंटेंस। आई एम गुड एट स्विमिंग बट आई डोंट लाइक इट, ठीक है। तो देखिए गुड एट स्विमिंग है, आई डोंट लाइक इट, दोनों क्या अपने आप में ही मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बट से क्या है, ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया गया है, हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं इसको, ठीक है। तो इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला, रेन हो रही थी अम्ब्रेला ले आए, तो दोनों ही क्या है, इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन ये जोड़ दिए गए हैं सो से। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आई हैव नॉट मेट राज नॉर हैव आई मेट अंजलि, ठीक है। तो ना ही राज को मिले ना ही अंजलि को मिले, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस अगर आपको समझ आ जाए, तो सिंपल कंपाउंड पता चल जाए, तो कॉम्प्लेक्स को वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ लेते हैं इसको भी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसमें एक, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब क्या है, ये तो कंप्लीट थॉट है, ये पूरा अपने आप में है, लेकिन दूसरा जो है वो इस पर डिपेंडेंट है, ये वाला नहीं होगा तो इसकी कोई ज्यादा वैल्यू है नहीं। स्टेटमेंट देखते हैं, वेन ही वन द अवार्ड एवरी वन चीयर्ड, ठीक है। तो वेन ही वन द अवार्ड एवरी वन चीयर्ड में यहां पर देखिए एवरी वन चीयर्ड, सब चेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है, कंप्लीट थॉट है अपने आप में, सब ताली बजा रहे हैं। लेकिन अगर मैं खाली लिख दूं वेन ही वन द अवार्ड, तो ये इसमें कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट होता है इसमें, ठीक है। इसी तरह देखते हैं, ऑल्दो मैट वॉज रनिंग लेट ही सीम्ड रिलैक्स्ड, ठीक है। तो रिलैक्स है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट थॉट है। ऑल्दो ही वॉज रनिंग लेट, तो ये क्या है, इस पर डिपेंड करता है अपने मीनिंग के लिए। अच्छा यहां से देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या आता है, ऐसे रूल्स होते हैं जिनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, कि इसके वर्ब को चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना हम क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ 25-26 सेंटेंस हम देखने वाले हैं, ठीक है। उनका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट किया हुआ है, तो सिर्फ इन्हीं सेंटेंस को आप बार बार देखेंगे, तो उससे क्या है, आपके दिमाग में ये फीड हो जाएंगे कि इसका डायरेक्ट का ये इनडायरेक्ट वर्जन, इनडायरेक्ट नरेशन ये होता है, ठीक है। तो आपको बार बार इन सेंटेंसेस को पढ़ना है खाली, आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि मुझको ये रूल याद करने हैं, ठीक है। तो रूल थोड़े थोड़े से हम बताएंगे, बहुत कम बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या है, उनको सेंटेंस, ये मेन जो 25 सेंटेंस होते हैं जिनसे ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, शी सेज रीटा रीटा कम्स लेट, शी सेज दैट रीटा कम्स लेट,
तो यहाँ पर मेन ये ध्यान रखना है आपको, एक ही बात को आप दूसरा घुमा कैसे कहेंगे, मतलब किसी ने आपको पता चली कोई बात, आपको किसी दूसरे बंदे को बतानी है, तो आप कैसे उस बात को कहेंगे, वही डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो किसी शी सेज रीता रीटा कम्स लेट, तो शी सेज दैट रीटा कम्स लेट, ठीक है। तो यहाँ सिंपल ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट का प्रेजेंट रह गया यहाँ पे। मीरा विल से मोहन इज ऑलवेज राइट, मीरा विल से दैट मोहन इज ऑलवेज राइट, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ये क्या है कॉमा और ये हटा के दैट लग जाता है यहाँ पे। यू सेड नेवर गो देयर, यू सेड दैट यू नेवर गो देयर, ठीक है। आई की क्या है, अपनी ही बात हो रही है, यू सेड आई नेवर गो देयर, यू सेड दैट यू नेवर गो देयर, ठीक है। नीता सेड आई एम विलिंग टू डू इट, नीता सेड दैट शी वॉज विलिंग टू डू इट, ठीक है। जब नीता की बात हो रही है तो यहाँ पर आई का यहाँ पर शी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीता ने कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है, विलिंग टू डू इट, वो करने को तैयार है, उस काम को करने को तैयार है। तो जब हम तीसरे को बताएंगे तो ऐसे ही तो बताएंगे, नीता ऐसा कह रही है कि वो उस काम को करने को तैयार है, तो ठीक है। आप इस तरीके से समझेंगे, किसी दूसरे को बताएंगे हम किस तरीके से बताएंगे, तो ऐसा समझिए, ना कि ये याद करिए कि आई का इशी हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको यूज करने के तरीके से समझिए, ऐसे रटना नहीं, रूल रटोगे तो वो याद नहीं रहेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे हम अब सेंटेंस पढ़ते हैं आगे। दीपू सेड आई हैव बॉट अ रेड पेन, तो इसके इनडायरेक्ट हो जाएगा, दीपू सेड दैट ही हैड बॉट अ रेड पेन। तो यहां पर देखिए, ये मत देखिए कि प्रेजेंट का पास्ट हो रहा है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसे सेंटेंस इनको पढ़िए तो वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। मेरे को तो ऐसे याद रहता है, ज्यादा रूल मेरे दिमाग में घुसते ही नहीं है इसके इससे रिलेटेड। खास करके मोहन सेड टू मी आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ ये ऊपर का सेंटेंस पढ़िए, उसके बाद नीचे वाला गैस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है, आपने गैस करने की कोशिश की, उसके बाद क्या होगा, सही होगा या गलत होगा ये चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर ये सारे के सारे सेंटेंस सही हो जा रहे हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये वाला टॉपिक, ठीक है। मोहन सेड टू मी आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, मोहन टोल्ड मी, सेड टू मी का टोल्ड मी हो जाता है, ठीक है। दैट ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर अ मंथ, हेयर का देयर, यहाँ का वहाँ, ठीक है। यू सेड शी रोट अ लेटर, यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। ज्योति सेड दे वर टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, ज्योति सेड दैट दे हैड बीन टॉकिंग टू द प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर ये बीन वीन है, बार बार पढ़ेंगे तो ये अपने दिमाग में अपने आप ही आ जाते हैं, कि अब आप याद करोगे कि आई एन जी के साथ बीन होता है, इसके साथ ही होता है, तो इसको लैंग्वेज की तरह ही समझने की कोशिश करोगे। यूज यूज वाले पार्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि रूल वाले पे, ठीक है। माई फादर सेट द अर्थ इज राउंड, माई फादर सेट दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रूल समझ लीजिए, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वो एज इट इज यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अगर फादर कह रहे हैं, फादर आपसे जैसे भी कह रहे हैं कि अर्थ इज राउंड, क्या है, पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो आप किसी और को बताओगे तो वो सेम टू सेम सेंटेंस बताओगे ना, गोल थी थोड़ी बता दोगे, चेंज थोड़ी हो गया वो कुछ, ठीक है, वो ट्रुथ है, ठीक है। तो अर्थ वॉज राउंड ये नहीं बोलोगे ना, तो ये तो सेम ही रहने वाला है, सीधी सी बात है। तो इसको रूल की तरह याद करोगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ में चेंज नहीं होता है, या फिर ये कह सकते हो, तो अब किसी ने मेरे को यूनिवर्सल ट्रुथ बताया है तो उसको मैं चेंज थोड़ी कर दूंगा, ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है। शी सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस पढ़ते जाने हैं आपको बार बार, ठीक है, बता रहा हूं, दोबारा से बता दे रहा हूं, ये सेंटेंस को पढ़िए, उसके बाद इनडायरेक्ट अपने आप दिमाग में बोलने की कोशिश कीजिए इसकी, ठीक है। यू सेड टू मी ही इज हैंडसम, यू टोल्ड मी दैट ही वॉज हैंडसम। द टीओआई, ठीक है, टी ओ आई यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया से है, सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया कोई मैगजीन है या ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसकी जगह कोई मैगजीन का नाम भी हो सकता है, तो जब वो वी का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या है, वो न्यूज़पेपर की बात हो रही है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट मतलब क्या, न्यूज़पेपर कह रहा है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूज़पेपर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इसका इट हो जाता है, और आवर का इट्स हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा
एक दो रूल बता रहा हूँ, ठीक है, वो तो ध्यान रख लेना, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेम हो गया और ये हो गया, ठीक है। वी का इट हो जाता है, अवर का आर इट्स हो जाता है, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है। अभी देखिए ये कुछ टर्म्स हैं, ये तो ध्यान रखनी पड़ेंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो ये चेंज होते हैं। नाउ का देन होता है, दिस का दैट होता है, दिस का दोज होता है, हेयर का देयर, हैंस का थैंस, दस का सो, टुडे का दैट डे, कम का गो, टू नाइट दैट नाइट, टुमोरो द नेक्स्ट डे, ऑन द मोरो, ये भी यूज कर जाता है, तो कहीं देखे तो ये मत सोच लेना कि ये गलत दे रखा है। ऑन द मोरो का भी यूज किया जाता है, नेक्स्ट डे का, फॉलोइंग डे हो जाता है, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, और अगो का बिफोर, ठीक है। तो ये तो कम से कम याद रखने ही पड़ेंगे। आगे देखते हैं, द लेडी सेड दैट शी वुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो एज मालतीज फ्रेंड वुड कम टू विजिट मुंबई, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस दे रखा है, तो इसमें क्या एरर है देखिए, द लेडी सेड दैट, जब सेड के बाद दैट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, यहाँ पे इनडायरेक्ट है, शी वुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो, तो इनडायरेक्ट में क्या है, टुमारो यूज नहीं किया जाता है, टुमारो की जगह क्या यूज किया जाता है, द नेक्स्ट डे या ऑन द मोरो, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे यूज करा जाएगा। ही टोल्ड दैट ही वॉज एंग्री, तो ये टोल्ड के बाद अगर मी होता तो सही हो जाता, या फिर क्या करेंगे, टोल्ड की जगह सेड करेंगे, ही सेड दैट, ठीक है। तो टोल्ड मी या सेड दैट, ठीक है, खाली खाली टोल्ड टोल्ड के के बाद बाद अगर अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं नहीं है है तो तो टोल्ड टोल्ड यूज यूज नहीं नहीं किया किया जाता जाता है, है, ठीक है। ही सेड टू मोहन कैन यू हेल्प मी, तो यहाँ पर यस नो क्वेश्चन वाला ये सिस्टम है, तो शी सेड टू मोहन कैन यू हेल्प मी, शी आस्क्ड मोहन वेदर ही कुड हेल्प हर, सीधी सी बात है, वो पूछ रहे हैं क्या है? आप हेल्प कर सकते हैं, तो पूछने के लिए यहाँ पे आस्क आ गया, ठीक है, और यस नो क्वेश्चन है, या तो वो करेगा या नहीं करेगा, तो वहां पर पूछ लिए कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वेदर यू कैन हेल्प और नॉट, वेदर ही कुड हेल्प और नॉट, कैन का कुड यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप अपना टेस्ट लेते रहिए, सेंटेंस पढ़ के इसको आंसर को गैस करते रहिए, ठीक है। यू सेड टू योर वाइफ व्हाट आर यू डूइंग, यू आस्क योर वाइफ व्हाट शी वॉज डूइंग, ठीक है। ही आस्क मी दैट हाउ आई गॉट टाइम टू राइट ऑल दीज पोएम्स, ठीक है। तो यहां पर ये सेंटेंस गलत है, यहां पे तो ही आस्क मी दैट हाउ आई गॉट टाइम टू राइट ऑल दीज पोएम्स, आस्क मी दैट हाउ आई गॉट टाइम टू राइट ऑल दीज पोएम्स, इसका तो ये वाला क्या हो गया भाई, दैट हाउ आई गॉट टाइम टू राइट ऑल दिस, ही आस्क्ड शी वाइफ, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना आपको, तो देखिए आस्क के बाद जो है, यहां थोड़ा टाइम लग गया, आस्क के बाद जो है वो दैट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर सेंटेंस में देख सकते हैं, शी आस्क्ड मोहन वेदर ही कुड हेल्प, शी शी आस्क्ड आस्क्ड योर योर वाइफ, वाइफ, यू यू आस्क्ड आस्क्ड योर योर वाइफ वाइफ, व्हाट व्हाट शी शी वाज वाज डूइंग, डूइंग, तो तो यहाँ यहाँ पर पर दैट दैट का का यूज यूज यहाँ यहाँ पे पे नहीं नहीं होगा, होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम लग लग गया, गया, ठीक ठीक है। है। इसमें इसमें तो तो आस्क आस्क के के बाद बाद क्या क्या है, है, दैट दैट का का यूज यूज नहीं नहीं होता होता है, है, तो तो सही सही सेंटेंस सेंटेंस इसका इसका हो हो जाएगा, जाएगा, ही ही आस्क आस्क मी मी हाउ हाउ आई आई गॉट गॉट टाइम टाइम टू टू राइट राइट ऑल ऑल दीज दीज पोएम्स, पोएम्स, ठीक ठीक है, है, ये ये करेक्ट करेक्ट हो हो जाएगा, जाएगा, दैट दैट का यूज यूज नहीं नहीं किया किया जाता जाता है। है, हाँ हाँ, तो तो ये ये ध्यान ध्यान रखना, रखना, दैट दैट का का यूज यूज नहीं नहीं होगा होगा आज आज के के बाद, बाद, ठीक ठीक है। है। रोमा रोमा सेड सेड टू टू मी मी व्हाट व्हाट विल विल यू यू डू डू टुडे, टुडे, तो तो रोमा रोमा ने ने कहा कहा व्हाट व्हाट विल विल यू यू डू डू टुडे, टुडे, रोमा रोमा आस्क आस्क मी मी व्हाट व्हाट आई आई वुड वुड डू डू दैट दैट डे, डे, ठीक ठीक है, है, टुडे टुडे का का दैट दैट डे डे हो हो गया गया यहाँ यहाँ पे। पे। ही ही सेड सेड टू टू मी मी डोंट डोंट गो गो आउट, आउट, ही ही फॉरबेड फॉरबेड मी मी टू टू गो गो आउट, आउट, तो तो देखिए देखिए ये ये ध्यान ध्यान रखना रखना है, है, किसी किसी चीज चीज को को मना मना करने करने के के लिए लिए फॉरबेड फॉरबेड का का यूज यूज किया किया जाता जाता है, है, और और फॉरबेड फॉरबेड के के बाद बाद टू टू यूज यूज किया किया जाता जाता है, है, इसके इसके साथ साथ ये ये प्रोहिबिट भी यूज करा जा सकता है, प्रोहिबिट या प्रिवेंट, तो इसके बाद फ्रॉम यूज किया जाता है, और आईएनजी फॉर्म आईएनजी फॉर्म तो लगती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे फॉरबेड के बाद टू, प्रोहिबिट या प्रिवेंट के बाद फ्रॉम, तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट,
ठीक है, या प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यू सेड टू योर सन स्टॉप वर्किंग, यू प्रोहिबिटेड योर सन फ्रॉम वर्किंग, ठीक है, प्रोहिबिटेड के बाद फ्रॉम। रागिनी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो रागिनी ने क्या कह रहा, ऑर्डर करा हर सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। रागिनी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड के बाद यहां पे टू का यूज होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि यहां पे फॉरबेड के बाद टू यूज हुआ था, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ, ठीक है, ड्रैगन ऑर्डर सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ, ठीक है, ऑर्डर्ड के बाद टू का यूज होगा यहां पे, ठीक है। ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, इस वाले सेंटेंस में थोड़ा डाउट है, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है, इसको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा अगर होगा तो। तो आगे देखते हैं, ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, ही सजेस्टेड, अभी तो अगर अभी यही है कि ऑर्डर्ड के बाद टू यूज होता है, अगर इसमें कोई और करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। He said, let's go for a walk. He suggested going for a walk. ठीक है, तो let's go to for a walk को suggested के बाद ऐसे ही convert कर सकते हैं. He suggested going for a walk. He said to his friends, let's go to movies. He proposed to his friends that they should go to movies. ठीक है, तो propose का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए आप put forth कर रहे हैं, अपनी बात आगे रख रहे हैं, ठीक है। प्रपोज का मतलब कि अपनी बात आगे रखना है, तो ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो टू मूवीज, ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू मूवीज, ठीक है, प्रपोज का मतलब होता है बात को आगे रखना। रंजन सेड टू हिज बॉस लेट मी गो, रंजन क्या कह रहा है अपने बॉस से कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो रंजन क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है अपने बॉस को, रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू अलाउ हिम टू गो होम। मैरी सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो मैरी क्या कर रही है, प्रे कर रही है, प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, तो आपको क्या ये टाइप ऑफ सेंटेंस है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। रमन सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो ये एकदम से क्या है, एक्साइटेड होके बोल रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, इसीलिए यहां पे लिख देंगे रमन एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। अच्छा, ये किस वाले सेंटेंस को मैं बता दूं, इसमें अभी तक इसमें थोड़ा शायद कुछ मिसटाइपिंग हो गई है, तो आपको इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अभी यही समझ लीजिए कि ये करेक्ट है, ठीक है, अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो मैं आगे बाद में बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिए, बाकी वीडियो को देखिए। तो ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो जब मोरालिटी की बात आती है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ था उसी तरह मोरालिटी की बात आती है, हमको अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो इसको क्या है, सेम यूज करा जाता है, मस्ट मस्ट चेंज नहीं होता, मस्ट माइट में चेंज नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ये मे और मस्ट जो माइट में चेंज हो गया, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो अब देखिए कंट्री से प्यार करना चाहिए तो करना ही चाहिए, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, उसमें डाउट थोड़ी कर दोगे आप, ठीक है, मे या माइट आ जाता है तब क्या है, डाउट हो जाता है वहाँ पे। शी सेड शी मस्ट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, शी सेड दैट शी वुड हैव टू गो, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अर्जेंसी है, जाना जरूरी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मस्ट वाला इसमें चेंज हो जाएगा, वुड हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो इस तरीके से चेंज होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रूल पूरे के पूरे याद रखना बहुत मुश्किल होता है इसका, इसलिए ये सारे सिंपल सेंटेंसेज हैं, इनको अगर आप ध्यान रख लेंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं इन्हीं में से हो जाएगा। अब इसी तरह से हम एक्टिव पैसिव वॉइसेस को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला सेंटेंस एक्टिव में है, दूसरा पैसिव में है, तो इनको आपको पढ़ते जाना है, पहले को पढ़ना है, दूसरे को गैस करना है, अगर सारे के सारे आपके सही जा रहे हैं तो क्या है, आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी मोटिव से ये क्या है बनाया गया है, एक तरीके से क्या है आपका ये टेस्ट हो रहा है इसका, एक्टिव पैसिव का, ठीक है। तो शी कॉल्स यू,
यू आर कॉल्ड बाय हर, ये थोड़े इजी होते हैं ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से एक्टिव पैसिव थोड़े से इजी पढ़ते हैं। शी कॉल्स यू, यू आर कॉल्ड बाय हर, मोहिनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज बींग संग बाय हिम, ठीक है, हिम या हर होगा ठीक है, ये हर होगा यहाँ पे, मोहिनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज बींग संग बाय हर होगा ठीक है। मीना हैज बॉट अ कार हैज बीन बॉट बाय मीना है, तो इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इंडिया वन द मैच, द मैच वॉज वन बाय इंडिया, इसमें क्या होता है उल्टा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं एक्टिव पैसिव में ठीक है। हनी वॉज टीचिंग ज्योति, ज्योति वॉज बींग टॉट बाय हनी, ठीक है, ज्योति वाल यहाँ आ गया और हनी इधर आ गया ठीक है। ही हैड फोन्ड हर, शी हैड बीन फोन्ड बाय हर, ही विल डू इट, इट विल बी डन बाय हिम, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू, ठीक है, तो आपको टेस्ट लेते रहना है, पॉज करके आपको पढ़ना है ठीक है। ही लेंट मी सम मनी, आई वॉज लेंट सम मनी बाय हिम, इसके दो तरीके से पैसे फॉर्म कर सकते हैं, सम मनी वॉज लेंट टू मी बाय हिम, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही है इसमें। डज ही नीड सम मनी, यस नो क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या कैसे यूज करेंगे हम, इज सम मनी नीडेड बाय हिम, ठीक है, अच्छा यहां पे ये क्वेश्चन मार्क होगा। हैज जॉन रिटन अ बुक, हैज अ बुक बीन रिटन बाय जॉन, ठीक है, ये इसका पैसिव हो जाएगा। हु रोट द रामायण, तो रामायण किसने लिखी है, हु रोट द रामायण, इसका पैसिव क्या होगा, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, तो यहां पर बाय हु का हुम हो जा रहा है, यहां पे बाय हुम स्टार्टिंग में आ रहा है तो बाय हुम हो जाएगा। हुम हैव यू इन्वाइटेड, तो हु हैज बीन इन्वाइटेड बाय यू, हु का हुम, हुम का हु ऐसे चल रहा है ठीक है। शट द डोर, लेट द डोर बी शट, ये वाला काफी ज्यादा पूछा जाता है ठीक है, लेट वाला। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ठीक है, ब्रिंग का ब्रॉट यहाँ पे हो रहा है, थर्ड फॉर्म हो रहा है ये ठीक है, तो इसको ऐसे याद नहीं करना, इसको सिंपली ये ध्यान रखना है, तो ग्लास ऑफ वाटर को अगर मैं इधर कर दूं तो सेंटेंस को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं ठीक है, उल्टा करेंगे सेंटेंस को तो कैसे आएगा, वो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा सेंटेंस। हेल्प द नीडी पीपल, द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड वुमेन, यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहाँ प्लीज जब बोल रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड वुमेन, आई एम टू डू इट, इट इज टू बी डन बाय मी, आई हैव अ लेटर टू राइट, ठीक है, ये वाला इस कॉन्सेप्ट समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर सेंटेंस ऐसे दे रखा है, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये इन्फिनिट है, मतलब क्या है, टू के साथ वर्ब की फॉर्म है, तो जब ऐसे होता है तो अगर जो वर्ब है जो और सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट खुद ही वो काम करने वाला है, तो क्या है टू भी यूज नहीं करा जाता है, मतलब क्या हुआ, आई हैव अ लेटर टू राइट, तो जो लिखेगा वो कौन लिखेगा, वो आई ही लिखेगा, ये जो सब्जेक्ट है यही लिखने वाला है, इसलिए टू भी रिटर्न नहीं होगा यहाँ पे ठीक है, टू भी रिटर्न नहीं होगा, राइट होगा ठीक है, टू राइट होगा, इसी तरह आई हैव टू, आई हैव, अच्छा यहाँ पर ये वाला नहीं होगा टू, ये टी डब्ल्यू ओ होगा, ये अपने आप मैंने हाथों से टाइप किया है, इसीलिए थोड़ी थोड़े से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इग्नोर कीजिए इनको, इसीलिए आप वीडियो पूरा देखना जरूरी है, खाली अगर आप पीपीटी को चेक करेंगे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देख लीजिए ठीक है। तो आई हैव टू शर्ट्स टू वॉश, हाथ से लिखते हैं इसलिए हाथ से टाइप किया है, इसलिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो गई है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो को पूरा देखना है। नॉट टू बी वॉश्ड, तो यहाँ पे जो धोनी है शर्ट वो खुद ही धोनी है, इसीलिए क्या है टू बी यूज नहीं होगा। आई हैव गॉट अ नॉवल टू रीड, तो यहाँ पे रीड किसको करनी है, खुद इसी को करनी है, इसीलिए यहाँ पे टू बी नहीं यूज होगा ठीक है, खुद करना है काम तो नहीं होगा। अब यहाँ पर एक अलग सेंटेंस देखते हैं इसी से रिलेटेड, महात्मा गांधी वॉज अ मैन टू बी एडमायर्ड, अब देखिए जो एडमायर करना है, एडमायर जो करते हैं वो लोग करते हैं, गांधी जी को खुद थोड़ी एडमायर करना है, इसीलिए यहाँ पर टू बी आ जाएगा। अगर गांधी जी का यहाँ पर खुद वाला काम होता है जो वो खुद करने वाले हैं तो यहाँ पर बी नहीं आता ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था थोड़ा अलग सा। देर इज वर्क टू डू, देर इज वर्क टू बी डन, तो देखिए ये सिंपल सिंपल सेंटेंस है, इनमें रूल्स को अगर याद करोगे तो फंस जाएगा दिमाग,
सिंपली इन सेंटेंसेस को आप पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा। आई नो हिम, ही इज नोन टू मी। नोन के बाद टू आता है, सरप्राइज के बाद एट आता है, लाफ के बाद एट आता है, तो ये ध्यान रखना है। द न्यूज सरप्राइज मी, आई वॉज सरप्राइज एट बाय न्यूज। तो देखिए सरप्राइज बाय न्यूज नहीं होगा, एट लगाना जरूरी है यहाँ पर, इससे ऐसे एरर दे दिया जाएगा। आई वॉज सरप्राइज बाय न्यूज, सरप्राइज एट बाय न्यूज होगा, ठीक है, लाफ्ड एट बाय हिम होगा। इसी तरह यहाँ पर दे रखे हैं, नोन के बाद टू आता है, सरप्राइज के बाद अमेज्ड एस्टोनिश्ड के बाद एट आता है, एनॉयड एट समथिंग होता है, एनॉयड विद समबडी होता है, तो एनॉयड एट होगा तो ये कोई कंडीशन हो जाएगी, यहाँ कोई पर्सन हो जाएगा। इंक्लूडेड इन, फिल्ड या डेकोरेटेड विद, टायर्ड के बाद होता है ऑफ, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहाँ पर पूरा खत्म हो चुका है, ये मैराथन, इसमें बहुत मेहनत की थी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत मेहनत की है इसलिए आपने अगर पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो ये तो मैंने क्या है, ग्रामर का पूरा यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अगर इसमें थोड़ी बहुत टाइपिंग वगैरह मिस्टेक होगी तो उनको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। अगर आपको ये ग्रामर का वीडियो तो इसमें हो गया, अगर वोकैब सेक्शन तैयार करनी है तो यहाँ पर मैं अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है वो लगा दूंगा। इसमें क्या है, आपको 10-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस के, तो एक वीडियो में 40 हो जाएंगे, 16 हमारे पहले एपिसोड आ चुके हैं, तो उससे आपकी वोकैब तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक और मैराथन वीडियो हमारा आ रखा है, जिसमें क्या है ए ई ई एस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में कंपाइल किए हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उससे क्या आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। अभी कुछ दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे तो मैं क्या इसी की तैयारी कर रहा था, तो मैं उस पर थोड़ा बहुत आपको बता भी देता हूँ कि अभी एक दो दिन वीडियो नहीं आएंगे क्योंकि मैं मैराथन बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी अपडेट्स भी आपको दिग्विजय शर्मा एकेडमी में मिल जाएंगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप खाली पीपीटी को मत देखना, क्योंकि थोड़ी इसमें क्या है कई स्टेटमेंट्स एरर वाले थे, कुछ जो है करेक्ट वाले भी थे, तो खाली उसको देखोगे आप पीपीटी को तो आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ओनली पीपीटी मत देखना, पहले आप वीडियो देख लेना, उसके बाद पीपीटी से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पीपीटी को बाद में देखिएगा, पहले खाली वीडियो को देखना है आपको, ठीक है। तो एईएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही और मैराथन्स आने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट को का एक एक मैराथन तो कम से कम आने ही वाला है, तो उन मैराथन्स को देखने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली क्लासेस के लिए, अब डेली होंगी या नहीं होंगी लेकिन आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और एक एक मैराथन तो बनेगी, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो नहीं बन रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वीडियो है उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है, मैराथन की। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।